फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं BHEL के स्टॉक के बारे में। आज दोस्तों कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग थी और अभी देखिए कंपनी का जो AGM था उसका आउटकम निकल के आया। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर BHEL की AGM का क्या हुआ। तो कंपनी की तरफ से कोई भी देखिए प्रेस रिलीज नहीं की गई थी। अभी देखिए हाल फिलहाल में ही यहाँ पे कंपनी ने अपनी AGM का आउटकम बताया और वैसे ही देखिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो आज सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी, बाजार के अंदर रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी आपको देखने को मिली बट स्टॉक के अंदर कोई भी मूव आता हुआ देखने को नहीं मिला। और सबके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, सब यही कमेंट करते हैं कि सर 60 रुपीज़ का लेवल BHEL कब यहाँ पे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इसके ऊपर ही बात करेंगे, कल के टारगेट्स के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, BHEL ने आज आपको देखने को मिलेगा कोई भी तेज़ी आपको होती हुई देखने को नहीं मिली। शुरुआत में एक तेज़ी थी जो गैप अप देखे मार्केट में मिला था, उसके साथ ये स्टॉक भी गैप अप खुला, 58 रुपये का आपको हाई बनाता हुआ देखने को मिलता है। बट उसके बाद यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर पूरे दिन कंसोलिडेशन या फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। ज़्यादा तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आज शेयर 57 रुपीज़ के ऊपर मेंटेन रहा और क्लोजिंग भी देखिए ठीक दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले यहाँ पे आपको जो क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो उसमें कुछ भी बढ़त या फिर गिरावट देखने को नहीं मिली है, बट ठीक है। बाज़ार देखिए वेट क्यों कर रहा था आज, सबसे बड़ी बात क्या है, बाज़ार में आज इतनी बड़ी तेज़ी थी लेकिन BHEL के स्टॉक में कोई भी तेज़ी क्यों नहीं थी? तो देखिए इसका मेन रीज़न सिर्फ था वो AGM, कंपनी की AGM, बिकॉज सब उसका ही वेट कर रहे थे कि यहाँ पे AGM का आउटकम क्या निकल के आता है, किन बातों पे देखिए चर्चा होती हुई देखने को मिलती है, क्या कुछ शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी नया लाने वाली है या फिर कुछ बड़ी बातें होती है। तो डेफिनेटली उसका वेट कर रहा था मार्केट, बट यहाँ पे आज आपको कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। अब सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं AGM का क्या आउटकम निकल के आया है, क्या बड़ी बातें हैं जिनके ऊपर आपको अपनी नज़र रखनी है। सो फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा BHEL की तरफ से सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को बता दिया गया है जो आउटकम निकल के आया। तो देखिए प्रोसीडिंग्स दिए, कोई यहाँ पे कोई बड़ी बातें मुझे देखने को नहीं मिली कंपनी की AGM में, बट सबसे बड़ी बात क्या जो आपको देखने को मिलेगी, जो बातें हुई थी कि यहाँ पे किन किन का अपॉइंटमेंट होगा, किन किन का रीअपॉइंटमेंट होगा, उसके बारे में देखिए चर्चा दी गई है। जो देखिए प्रोसीडिंग्स निकल के आ रही है, चेयरमैन ने इन्फॉर्म किया है देखिए अपने सारे शेयर होल्डर्स को कि श्री सचिन अग्रवाल एंड एसोसिएट्स देखिए कंपनी के सेक्रेटरीज अपॉइंट किए गए हैं बाय द बोर्ड और एज अ स्क्रूटनाइजर टू स्क्रूटनाइज द रिमोट ई वोटिंग एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऑफ द AGM। ये यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने और भी कुछ इन्फॉर्म किया है कि देखिए जो यहाँ पे बातचीत हुई थी, जो पूरी शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही थी उसके बारे में बताया गया है। एंड और कुछ देखा जाए तो दोस्तों, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो कंपनी यहाँ पे बिजनेस के ऊपर बात करेगी वो है यहाँ पे अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, रीअपॉइंटमेंट होता हुआ देखने को मिला है। तो कोई बड़ी बात तो मुझे देखिए कंपनी की AGM में आती हुई देखने को नहीं मिली। डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने यहाँ पे कोई नई बात नहीं की, कोई कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं करी, कोई आपको यहाँ पे कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल ला सकती उसके ऊपर बात नहीं की गई, या फिर कह सकते कि थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए हमको। बाकी सब दोस्तों आपको जो भी ई वोटिंग होती हुई देखने को मिली है उसके ऊपर कंपनी ने बताया, और कल ही आपको देखिए मैंने बता दिया था कि यहाँ पे जो भी आपको होता हुआ देखने को मिलेगा रीअपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट वो आपको होता हुआ देखने को मिला यहाँ पे। तो कोई बड़ी बात तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आती हुई देखने को नहीं मिली है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको भी देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि आगे कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी, रादर देन देखिए जो आपको यहाँ पे AGM का कोई खास आउटकम आता हुआ देखने को नहीं मिला। अब इम्पॉर्टेंटली हमको यही देखना है कि मार्केट कल किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करता है, बिकॉज मार्केट ने अगर कोई उम्मीद लगाई होगी तो डेफिनेटली देखिए आपको यहाँ पे कल गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अगर यहाँ से कुछ भी देखिए पॉजिटिव आपको होता हुआ देखने को मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 58-59 रुपीज़ के लेवल आपको शो करता हुआ देखने को मिल जाएगा स्टॉक। तो डेफिनेटली हमको कल यहाँ पे वॉचफुल रहना पड़ेगा। अभी तो यही कह सकता हूँ कि AGM में जिस बात की हमको उम्मीद लग रही थी उसके ऊपर कंपनी की तरफ से देखिए कुछ नहीं कहा गया। कंपनी ने यहाँ पे नहीं बात करी है देखिए अपने प्रॉफिटेबल के ऊपर कि कैसे कंपनी को प्रॉफिट में लाया जाएगा, तो डेफिनेटली कुछ भी यहाँ पे खास तो AGM में होता हुआ देखने को नहीं मिला है। इस AGM में देखिए बस ये होता हुआ देखने को मिला है कि स्क्रूटनाइजर की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकल के आ चुकी है अबाउट कंपनीज, जो देखिए नंबर्स निकल के आए थे और उस सबको देखिए यहाँ पे एग्री कर दिया गया और ई वोटिंग हुई थी जिनका भी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होता हुआ देखने को मिला था उसके ऊपर वोटिंग हुई और यहाँ पे सब दोस्तों अब तय हो चुका है जैसे आपको मैंने पहले बता ही दिया था।
एजीएम में तो देखिए कुछ भी खास नहीं है, साफ साफ आपको कहना पड़ेगा। बट अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि स्टॉक का प्राइस क्या यहाँ से अब जा सकता है, या फिर अभी जो आपको लगातार एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और कंसोलिडेशन के साथ साथ एक बढ़िया बात क्या है, आपको स्टॉक में अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड ब्रेकआउट के वर्ड्स पे हम कह सकते हैं डेफिनेटली स्टॉक है, बिकॉज दूसरी बार देखिए आपको उसी लेवल पे स्टॉक आता हुआ देखने को मिला। आज आज 58 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, जो डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, बिकॉज मार्केट के अंदर एक बड़ी तेज़ी थी, उसके बावजूद स्टॉक रिएक्ट नहीं कर पाया। बट अब मुझे लगता है कि वापस से जिस तरह से आज दोस्तों एक कंसोलिडेशन वाला पैटर्न बना है, बस स्टॉक का चार्ट अगर हम देखें तो आज आपको दोस्तों पूरे दिन देखने को मिला कि स्टॉक एक लेवल के आसपास थोड़ा सा अटक रहा था, वो थे 58 रुपीज़ के ऊपर तो नहीं गया, बट आपको लगातार एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। याद रखिएगा कंसोलिडेशन जब भी होता है स्टॉक के अंदर, तो वो कंसोलिडेशन जो होता हुआ देखने को मिलता है आपको, वो होता हुआ देखने को मिलता है बेस बनाने की कोशिश। और आज मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर एक बेस बन चुका है 57 रुपीज़ के ऊपर का, बिकॉज आज जब गिरावट आ रही थी तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि 57 रुपये के नीचे क्या ट्रेड करेगा, और वो ट्रेड नहीं किया। एंड अब हमको कल देखना होगा, याद रखिएगा कल का डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर एक रिएक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा एजीएम का। एजीएम से यही कह सकता हूँ कि ये देखिए कुछ पॉजिटिव नहीं तो कुछ नेगेटिव भी निकल के नहीं आया है, कुछ भी देखिए ख़राब यहाँ पे कुछ निकल के नहीं आया है जिसके कारण आपको कोई डर लगे कि हाँ यहाँ से कोई स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कल बाज़ार बहुत ज़्यादा ही अगर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे तो वो बात अलग है, बट बाज़ार में भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग नहीं है और बाज़ार भी तेज़ी में, और मुझे लगता है कि BHEL भी अब आपके यहाँ पे डेफिनेटली तेज़ी करने की कोशिश करेगा, बिकॉज लास्ट 5 डेज़ के अंदर हमने एक बड़ा कंसोलिडेशन देख लिया है, और लास्ट 1 मंथ के अंदर जो 7% के रिटर्न आपको कमा के दिए, अब आज एक लेवल को क्रॉस करना था 58 को, बट वो क्रॉस नहीं कर पाया। कल यहाँ पे देखना होगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कल किस तरह से देखिए स्टॉक आपको ये लेवल क्रॉस करता हुआ देखने को मिलता है। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दिक्कत कुछ भी अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है, कंपनी के मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है। एक पॉजिटिव चीज़ याद रखिएगा, कंपनी के जब भी मैनेजमेंट में बदलाव होता है तो वो मैनेजमेंट आगे चल के क्या नई चीज़ करता हुआ देखने को मिलता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो नया मैनेजमेंट दोस्तों आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, वो किस तरह से कंपनी को आगे लेके जाता है, कंपनी को बढ़ाता हुआ देखने को मिलता है, उसके ऊपर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ बुरा सोचने के अलावा। तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको होल्ड करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे BHEL में। हाँ, एक दिक्कत यही कि कंपनी के फाइनेंशियल सुधर नहीं रहे, बट YOY बेसिस पे देखिए कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा सुधारे, और साफ साफ कंपनी ने ये कहा था कि जिस तरह से कोविड का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पेंडेमिक, जैसे जैसे देखिए कम होती हुई देखने को मिलेगी, वैसे वैसे देखिए यहाँ पे आपको हमारा बिजनेस फिर से राइट ऑन ट्रैक आता हुआ देखने को मिलेगा। और अभी कुछ समय से आपको देखने को मिलेगा कोविड के केसेस बिल्कुल कम चल रहे हैं, और कंपनी का बिजनेस फुल आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली मुझको ये लगता है कि आप होल्ड करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, अदरवाइज़ यहाँ से सेल आउट करने का कोई ज़्यादा देखिए ऑप्शन बनता नहीं है। तो डेफिनेटली होल्ड। कल के टारगेट्स के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि 58 रुपीज़ को जैसे ही क्रॉस करेगा 60 के लिए स्टॉक आपको हेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।